बनाना है 10 फुट का रावण जी, कितना टाइम लग जाएगा? पैर पड़े हैं यार, पैर पड़े हैं अंदर लग। तो इसमें बम भी डालेंगे या बिना बम के फूटेगा? बात ऐसी घर के जैसी, अपने साथ है परमीश और परमीश यार तुम योगेश यार। कोई परमीश नहीं, इंट्रो खराब कर दिया गुरु। हम किसी परमीश को नहीं जानते, हम जानते हैं योगेश। अरे और अपना भाई कुशागरा, क्या हाल है? अब नहीं कटेगा भाई, अब कुछ नहीं कटेगा भाई, अब कुछ नहीं कटेगा। ओके ब्रो, ओके। क्या सीन बताओ, क्या प्रोग्राम है, कहाँ ले जा रहे हैं भाई? बढ़िया जगह ले जा रहे हैं, आज नई चीज दिखाते हैं। चलो आपको एक ऐसी चीज दिखाते हैं जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। दशहरे का टाइम वैसे फेस्टिव सीजन, तो दिखाते हैं भाई सीधा। बात क्या करनी है, स्टार्ट है। क्या हाल है भाई? लड़के कहाँ ले आया भाई? आज रावण दिखाएंगे कैसे बनता है। गाइस ये देखो, रावण सिर्फ यही बन रहा है पूरे दिल्ली NCR में, और कहीं नहीं बन रहा। तो गाइस ये रे अपने अंकल जी, क्या हाल है? बढ़िया। अपना नाम बता दो। मेरा नाम मोहम्मद नफीस है जी। और जो आप बात बता रहे थे कि ऑर्डर पे बनने हैं लेकिन हर जगह नहीं फोड़ सकते, तो आप वो बात पूरी ये ऐसा है जी, ये बड़ों के तो ऑर्डर है नहीं अब के, जैसे रामलीला के बनते थे 50 फुट 60 फुट 65 फुट, वे तो बंद है। ये छोटे सोसाइटी वाले बनवा रहे हैं, जैसे गलियों के अंदर जो डिस्टेंस रख के फोड़ेंगे। हाँ, डिफरेंस अपना। अच्छा, अब वैसे फोड़ेंगे ग्राउंड में तो भीड़ हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी, कोरोना चल रहा है। तो गाइस ये बात है कि देखो, जो बड़े रावण थे वो बंद हो चुके हैं, सिर्फ पर्सनल सोसाइटी अपने बनवा रही है, और मतलब हर बंदे में 2-3 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। और आप एक बात बताओ, ये जो रावण है ये कितने फुट का है? ये है जी 15 फुट का। ये 15 फुट है गाइस। देखो पहले क्या बनता है, पहले बीच का हिस्सा बनता है जी, फिर मुंह अलग बनता है जी, और ये क्या इसके हाथ है? ये हाथ है। और एक बात बताओ, इसमें बम भी डालेंगे या बिना बम के फूटेगा? ये छोटे पटाखे जो दिवाली में बच्चे वगैरह लड़ी 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 फुलझड़ी जी जी जी, ग्रीन पटाखे हुए जैसे। तो गाइस ग्रीन क्रैकर डालेंगे और छोटे डालेंगे। और इधर आके देख लो भाई, ये क्या जी? रावण का पैर। ये छतर है जी, ऊपर की छतरी। अच्छा, ये छतरी है? हाँ जी। तो गाइस ये देखो, ये छतरी। और ये एक एक चीज बनाने में ना बहुत दिन लग जाए। मतलब एक बात बताओ अंकल जी जी, एक अगर हमें बनाना है 10 फुट का रावण जी, कितना टाइम लग जाए? अगर 10 फुट का रावण बनाएंगे तो 2-3 दिन लगेंगे। 2-3 दिन? और इसमें कितना भी तैयार करना पड़ता है, हाथ तलवार ढाल। कोई कोई ऐसी भी डिमांड करते हैं भाई कि छोटा रावण हो लेकिन बम ज्यादा हो, और मतलब थोड़ा ज्यादा वो लगे, डिजाइन ज्यादा हो, तो उस तरीके के भी बना दे। जैसे ये डिजाइन है आपका, इसमें कितना टाइम लग जाएगा आपको पूरा कंप्लीट करने में? अभी तो आधा ही हुआ है ये जी। कितना टाइम? इसको 3-4 घंटे लग जाएंगे। 3-4 घंटे और लगेंगे? और लगेंगे। इसके बाद इसको जोड़ना भी पड़ता है? जोड़ना भी पड़ता है, नीचे टांगे लगेंगी। अच्छा, फिर उसके पाइप बांस के द्वारा इसे खड़ा किया जाएगा। मतलब ये लग जाएगा, फिर वहां जाके जहां आपको खड़ा करना है वहां आप जोड़ दोगे? जोड़ देंगे। तो गाइस ये देखो, टांगे हाथ मतलब सब बन रहा है यहाँ पर। ये साइडों के मुंह है 9 छोटे। कौन से? ये वाले? हाँ जी, ये वाले, ये वाले। अच्छा, ये साइडों में लगेंगे, जैसे ये लग रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मुंह है, ये उस वाले में लगेंगे शायद, उस वाले में। तो गाइस ये देखो, पूरी ऐसे बांस बांस यूज होती है ना इसमें? क्या बात है, बांस की बारीक खपत चाहिए। टफ है गाइस, टफ। और वही चिपकता उससे अरारोट के पेस्ट, अरारोट का पेस्ट, ये बिल्कुल तगड़े तरीके से चिपका देता है। अब बात कर लेते हैं बड़े रावण की, वो बनी रहा, आपको पूरा दिखाते हैं कि बनता ही कैसे। गाइस एक ये रावण बना रहे हैं, ये आपने पहले बेस तैयार करा जी? पहले ये बॉडी तैयार करी। हाँ, हाथ इसके अलग तैयार करे, फिर इसके अंदर ज्वाइंट कर दिया। अच्छा, और ये आप पेंट कर रहे हो? ये पेंट हो रहा है, गोला और काला बना, काला पीछे बैक है, पीछे की बैक। और ये पेपर कौन सा यूज होता है? ये पेपर, ये कंप्यूटर वाला पेपर है जी, ये मोटा पेपर होता है। अच्छा, ये मोटा, इसकी 3-4 तह चढ़ाई जाती है। अच्छा, 3-4 वही उससे चिपका जाते हैं। पहले वो बनाया, डिजाइन फ्रेम बनाया इसका पूरा, फिर उसको चिपकाते हैं जी। सही बात है। तो ये कितने टाइम में पूरा तैयार हो गया? ये तैयारी है जी, बस ये पेंट होना है पीछे, बस खड़ा होएगा शाम। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हमें रावण देना है जी, मैं आपको ऑर्डर दे दूँ 10 फुट का रावण, कितने पैसे लग जाए? ये उसके अंदर ये देख लीजिए आप, 8-10 हज़ार रुपये तैयार हो जाए। और 2-3 दिन लग जाए?
दो तीन दिन लग जाएंगे उसमें, दो तीन आदमी भी लगेंगे, दो तीन आदमी भी सही उनकी दिहाड़ी भी देख लो फिर भाई, हमारी मेहनत भी है बहुत जी, मटेरियल भी लगता है, मटेरियल भी लगता है, लकड़ी भी लगती है, लकड़ी भी लगती है। कितने का मटेरियल लग जाता है? मटेरियल भी इसके अंदर ये समझ लो कि अगर हमने आपसे 10,000 रुपये लिए तो कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का तो मटेरियल हो गया, फिर उसके बाद हमारी लेबर भी हो गई, मेहनत भी हो गई। सही बात है, मेहनत। उसके बाद अगर हमने 2-3 हज़ार रुपये आपसे ले लिए, सही बात है, सही बात है। तो गाइस मेहनत ही है इनकी, इनका नंबर मिल जाएगा आपको। अगर आपको इस साल तो देखो जा ही चुका है, अगर आपको नेक्स्ट ईयर बनवाना हो तो काफ़ी सही रेट में बनाते हैं ये, हमें मिल गए थे। तो थोड़ी और बात करते हैं रावण के बारे में। तो गाइस एक ये ढांचा पड़ा है, ये कितने फुट का बनेगा अंकल जी ये वाला? ये पूरा रावण का चेहरा है। अच्छा सिर बन रहा है? सिर बन। कितने टाइम में बन जाएगा भाई ये? अंकल सुबह से लगे हुए हैं सिर। अच्छा पहले ये बेस बनता है पूरा, है ना? पहले इसका ढांचा बनता है। हाँ जी अंकल जी, क्या होता है स्टार्टिंग में रावण, पूरा प्रोसेस बताओ। स्टार्टिंग में क्या होता है कि सबसे पहले बांस खरीदे जाते हैं। अच्छा बांस लिए जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको बांस के को खरीद के उसके बाद में ये हमारे पास छोटा सा औजार है, तो ऐसे 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 करके छील लेते हो मतलब उसको? अच्छा ये आप छील लेते हो, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में अपने जैसे भी आप जगह में हाथ बनाना है। हाँ फिर आप उसको जोड़ देते उसको। तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है, ये पेपर लगाने में या बेस बनाने में? टाइम तो सब चीजों में बराबर से ही लगता है। अच्छा अच्छा, लेकिन मेन चीज ये है, ये नहीं होगा तो फिर पूरा कैसे होगा, डिजाइन ही कैसे होगा? आने के बाद क्या करते हो? आने के बाद में इसको फिर कागज से, रबली कागज से, ऐसे सफेद कागज। अच्छा ये वाला कागज मोटा होता है थोड़ा, पूरा ढक दिया जाता है अरा रोड से। हाँ अरा रोड के पेस्ट से। अरा रोड का पेस्ट। अच्छा अरा रोड का पानी मिला के आग पे इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, लकड़ी जो भी बची हुई होती है। अच्छा तो वो टाइट एकदम टाइट सी पक जाता है उससे? हल्का ढीला सा। अच्छा अच्छा। हाँ उससे बिल्कुल टाइट आ जाता है, उसमें बिल्कुल एक अकड़ सी आ जाती है। फिर आप इसको सुखाते भी हो मतलब कुछ देर के? बनता है धूप में, पड़ा रहता है धूप में, बनाते हैं दिन में। उसके बाद बनता है डिजाइन? हाँ फिर उसके बाद में इसको उसके बाद गाइस ये देखो जैसे ये डिजाइन है, मुंह बनने में टाइम लगता है, ये पूरा बनने में, हाथ बनने में, इन हर चीज में एक पर्सनल टाइम लगता है और चार चार पांच पांच बंदे लग जाते हैं एक चीज में। हाँ, हाँ। तो मतलब यार मेहनत वाला काम है, काफी दिक्कत है। और इसमें बम वम आप लगा के देते हो या जो सोसाइटी वाले हैं वही लगाएंगे, आप लगा के दो? नहीं ऑन डिमांड होगा। अच्छा मांगेगा? अच्छा जैसे कोई मांगे वो कह दे कि सर हमें बम भी लगा दो, आप दो तीन हजार वाले वो जो बिल्कुल बच्चों के आजकल पटाखे चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब तो ग्रीन क्रैकर ही चल रहे हैं बिल्कुल छोटे, क्योंकि अब रूल आ चुका है। अब आज भी अब मांग भी नहीं रहे, अभी तक कोई आया भी नहीं ऐसा। सही बात। सारे गाइस ये देखो ये भी छील रहे हैं, छीलो अंकल जी। अरे क्या बात, देखो बिल्कुल ये हमारा खानदानी काम है जी। अच्छा कितने साल से कर रहे हो ये? ये तो ये समझ लो बड़ों से ही चलता रहा, मतलब काफी टाइम हो गया जी। क्या बात, कहाँ के हो आप? यहीं के? यूपी के हो? मैं मुजफ्फरनगर का हूँ। अरे क्या बात है जी, क्या बात। आप बताओ क्या कह रहे थे आप जी? यही है जी, ये कावड़ भी बनाते हैं गाइस। कावड़ भी बनाते हैं तो उस पे सावन पे। हाँ और जी रावण भी बनाते हैं। हाँ मतलब सारी फेस्टिवल आप सारा काम करते हो, जो भी है जितने भी फेस्टिवल है, दशहरा दिवाली सब में आप सब करते में, हो सब में अपना जो क्या बात। तो गाइज इनका नंबर मिल जाएगा, अगर आपको बनवाना हो आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना जी? ठीक है जी। ये ऐसा बेस तैयार हो रहा है, देखो अरा रोड लग रही है और ये इससे रस्सी मतलब बहुत तगड़े तरीके से चिपक जाती है ना जी। और ये सस्ती भी पड़ती है, मतलब फेविकोल लगाएंगे तो बहुत महंगा ही रेट चला जाएगा जी, मतलब 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ही बैठ जाएंगे। तो गाइस ये रहा रावण, ये कल चलेगा? कल चलेगा जी। ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, पूरी आपको डिटेल वीडियो मिलेगी, टेंशन वाली बात नहीं, दोनों रावणों की जानकारी मिलेगी, औरों की बुकिंग भी आई भी है हमारे पे। और ये देखो और भी बन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये पैर पड़े हैं यार, पैर पड़े हैं अंदर लग रहे हैं, जूती बना रखी है। अच्छा जूती जूती पूरी जूती बना रखी है। अंदर से खोखला, अंदर बम बम डल जाते हैं और भूरा भी डलता है जलने के लिए। क्या नाम है भाई तेरा? संजय। संजय बढ़िया सब? हाँ मच्छल बना लेते तू भी? हाँ मैं ही बना लेता। क्या बात है, ये ढांचे मैंने तैयार किए थे कल। अच्छा ये तूने तैयार करे हैं सारे? हाँ। इसमें बस ये कागज लगा देंगे? हाँ। मतलब सारे मिल बांट के पूरी फैमिली? हाँ, हाँ। लगी रहती है। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी, अच्छा लगा बहुत आपसे मिलके। ठीक है जी सर। और इनका नंबर मिल जाएगा, ऑर्डर करना आप करवा सकते हो, दिवाली के लिए भी बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है अंकल जी? जी ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सर।